हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूं जिसको देखने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन अगर इस हिसाब से करते हैं तो मैं 100% गारंटी लेती हूं, 100% सफलता पक्की है आप लोगों की। बस इस जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसके अलावा आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि इस बार का प्रीलिम्स तो निकालना ही निकालना है, उसके बाद जो हमें टाइम मिलेगा उसके बाद हम मेंस की भी तैयारी करेंगे। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 90 डेज का टाइम है MPPSC 2019 के लिए, क्योंकि जो भी आयोग ने हमें डेट्स बताई हैं तो वो अप्रैल की डेट हैं। अप्रैल में 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख, 4 डेज संडे पड़ रहा है, तो इन्हीं चारों डेज में किसी दिन एग्ज़ाम होगा। तो अगर 7 तारीख को भी होता है तो भी हमें कुल मिलाकर 90 डेज हैं हमारे पास अभी हाथ में। उसमें हम लोग इतनी बेहतर तैयारी कैसे करें कि 100% हमें सफलता मिले। सिर्फ लिमिटेड टाइम में हम थोड़ा बहुत मेंस की भी प्रिपरेशन इतने ही टाइम में कर लें कि जब अप्रैल में प्री होगा तो मेंस जुलाई में होगा, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। और मेंस का सिलेबस इतना लेंदी है और लिखना भी होता है, लिखने की प्रैक्टिस भी आनी चाहिए, तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप मेंस प्रिपेयर कर पाएँ। मैं आपको इतना आप बता दूंगी कि आप एटलीस्ट एक बार मेंस के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे इन्हीं 90 डेज में। मेंस प्लस प्री दोनों आप कैसे कर सकते हैं, जो एक एस्पिरेंट्स पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पहली बार कैसे सफलता प्राप्त करें, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ें, जो लोग कंफ्यूज हैं इन्होंने अभी चूज़ नहीं किया है वो कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं इस लिमिटेड टाइम पीरियड में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें होती है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सबको पता है क्या पढ़ें लेकिन क्या ना पढ़ें ये किसी को नहीं पता होता, और इसी के चक्कर में लोग सब कुछ पढ़ डालते हैं और प्री ही निकालना मुश्किल हो जाता है, मेंस तो दूर की बात है। और एक चीज़ और कि कितने अंक लाने आवश्यक हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, तो उसमें से कम या अधिक से अधिक मार्क्स लाएं कि हमारा सिलेक्शन प्री में हो जाए। पहले टारगेट प्री है, साथ के साथ मेंस भी हमें लेके चलना है। तो आज मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी ऐसी, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन आप, ये कंडीशन मेरी भी है कि आपको अपने आप के साथ फेयर रहना पड़ेगा, जितने घंटे पढ़ाई की हैं उतने घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दूँ, आपको इस बार पोजीशन लानी ही लानी है। जितनी भी सीट्स होंगी उसमें आप, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ उनमें से काफ़ी लोग टॉप 100 में रैंकिंग लेकर आए। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो आपको ऐसे इरादे पक्के करने हैं कि आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों एक बार में ही क्लियर हो जाए, बार बार एग्ज़ाम आपको ना देना पड़े। आप ऐसी ज़िद कर लीजिए, ऐसे अपने आप को ठान लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, बस ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोबारा 2020 में एग्ज़ाम नहीं देना है आपको, ये सोच के इस बार प्री का एग्ज़ाम देना है कि 2019 में एग्ज़ाम देना है प्री का, जुलाई में मेंस देना है और नवंबर में इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन लेना है, दोबारा एग्ज़ाम देने की झंझट से छुट्टी, टॉप रैंकिंग आनी है, तो बस आप लग जाइए तैयारी में। हमेशा याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया आपका संकल्प किसी भी और के संकल्प से ज़्यादा महत्व रखता है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा है। मैं आपको कितना भी समझा दूँ, बुक लिस्ट दे दूँ, सब कुछ प्रिपरेशन बता दूँ, स्ट्रेटेजी बता दूँ, आप टाइम टेबल भी बता दूँ, सब कुछ बता दूँ, लेकिन जब तक आप अपने अंदर जुनून नहीं लाएंगे, जब तक आप अपने अंदर से नहीं जागेंगे, तब तक आपको कोई भी कुछ भी नहीं सिखा सकता, बता सकता। हम लोग सिर्फ यहाँ YouTube पे गाइडेंस दे सकते हैं, टाइम टेबल बता सकते हैं, स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, पढ़ाई आप ही को करनी है, जीत की तैयारी आप ही को करनी है। तो मैं यहाँ आपके सामने लेकर आई हूँ पूरी स्ट्रेटेजी के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे कि
आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए, आपको सिलेक्शन के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कितने किस सब्जेक्ट्स में से कितने क्वेश्चंस आते हैं प्री के एग्ज़ाम में, और हमारी तैयारी की रणनीति कैसे होनी चाहिए कि 90 डेज में हम ये क्रैक कर सके प्री। और इस जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगी उसमें आप मेंस भी काफ़ी हद तक कवर कर पाएंगे, ये श्योरिटी मेरी गारंटी है अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करते हैं तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि पहले प्री एग्ज़ाम होता है जो कि अप्रैल में होगा, फिर मेंस होता है जो कि जुलाई में होगा, और फिर इंटरव्यू होता है जो कि नवंबर में होगा, और जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं इसमें ये चीज़ आपको बता दूं कि मान लीजिए आपके पास 300 सीटें इस बार आयोग ने निकाली हैं, 300 सीटें पूरी टोटल 300 सीटें हैं उन लोगों के पास सिलेक्शन के लिए, कैंडिडेट चुनने के लिए। अब प्री में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसका 15 गुना मेंस के लिए वो लोग निकालेंगे, 15 गुना, तो ये लगभग निकलेगा 4500, सिर्फ 4500। और लगभग 4 से 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से सिर्फ 4500 लोग मेंस दे पाएंगे। ये आंकड़ा थोड़ा सा गड़बड़ सकता है, लेकिन 15 गुना ही लोग मेंस के लिए निकालते हैं। इसके बाद आप लोग मेंस में सिलेक्शन ले चुके हैं, इंटरव्यू के लिए आपको मान लीजिए 300 सीटें हैं, 300 सीटें में इंटरव्यू के लिए 3 गुना लोग निकालते हैं, 3 गुना मतलब कि 900 लोग। अब आपको इन 900 से कंपटीशन करना पड़ेगा, तो अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाइए कि आप इन 300 में टॉप 100 में आ जाएं, ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2018 में अभी क्या कट ऑफ गई थी, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 18 फरवरी 2018 को, इसका एग्ज़ाम हुआ था 18 फेब को, इसमें कट ऑफ क्या गई थी, 2017 में क्या कट ऑफ गई थी, और 2019 में क्या कट ऑफ जा सकती है। ये एवरेज मतलब इतनी ही जा सकती है, ये मैंने रेंज बताई है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अनारक्षित मतलब कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 138 मींस 200 में से ये मार्क्स हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ कि आपको ऑलमोस्ट यहाँ 69 क्वेश्चंस, 100 में से 69 क्वेश्चन गई थी यहाँ पे कट ऑफ। इसी तरह 2017 में भी 69 क्वेश्चन ही गई थी। अगर हम जनरल फीमेल की बात करें तो ये 64 और 63 बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चंस का ही गैप है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें 2 साल की, तो मैं आपको बताती हूँ ये तो क्वेश्चंस और सीट्स पे डिपेंड करेगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होगा, मॉडरेट होगा, इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा। फिर भी जहाँ तक जाता है हम लोग अपना स्कोर लेके चलेंगे कि हमें 70 से लेके 75 तक के बीच में स्कोर करना है कि हम सेफ जोन में होंगे। हमें चिंता नहीं होगी कि हमारा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, हम प्री देते ही मेंस की तैयारी में जुट जाएंगे। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 70 से 75 मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा इजी आता है, सीट्स बढ़ती हैं, तो ये स्कोर बढ़ भी सकता है। सीट्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब भी बता दूंगी कि आपको कितने स्कोर करना ज़रूरी है। इसी तरह फीमेल की बात करें तो 65-70 लाना ज़रूरी है। इस साल जो हुआ था 2018 में वहाँ 64 थी फीमेल की कट ऑफ। इसी तरह एससी में 63 और 2017 में 61, और यहाँ हम बात करें तो 62-68 के बीच सिक्योर हम लोग फील करेंगे कि हाँ इस स्कोर पे हम लोग सिक्योर हैं, हम लोग मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें लेडीज़ की बात करें तो 122 मींस यहाँ पर आ जाएगा 61 और ये 55, तो 62-65 की रेंज में हो सकता है। यहाँ कुछ ज़्यादा ही कम चली गई थी, ये कभी कभार होता है ये केस। इसी तरह एसटी में 59 और 55, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 58-62 जा सकती है एसटी जो मेल है उनकी कट ऑफ। इसी तरह एसटी फीमेल की कट ऑफ जाएगी गई थी सॉरी 2018 में
114 मार्क्स, इसमें हम कह सकते हैं कि ये 57 क्वेश्चन सही होने चाहिए हमारे, और 50 2017 में, तो 55 से 60 के बीच मार्क्स हमारे 2019 में एक्सपेक्टेड हैं। इसी तरह ओबीसी के लिए यहाँ पर 67 और यहाँ 66, लेडीज़ के लिए यहाँ पर 66 और ये 59, तो ये हमारे यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। मैंने क्वेश्चंस भी आपको साथ के साथ बता दिए। यहाँ जो मैं यहाँ पे डाटा दिया हुआ है ये मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हुए हैं। तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 67 टू 72 रेंज दी गई है और यहाँ पर 65 टू 70। अगर आपका स्कोर इतने में आप सिक्योर कर लेते हैं तो आप मेंस लिख सकते हैं, मेंस के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो चलिए मैं आगे आपको जो मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है उसके बारे में बता दूँ। लास्ट 3 साल के एग्ज़ाम का एनालिसिस किया है मैंने यहाँ पर। तो इसमें मैंने पूरे पार्ट्स को 11 पार्ट्स में डिवाइड किए, पूरे अपने सब्जेक्ट्स को जितना भी उन्होंने सिलेबस में आयोग ने दिया हुआ है। तो जब 2016, 17 और 18 तीनों का मैंने आपको बताया है, तो आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज आ रहा है एमपी का। यहाँ पर 2016 में यहाँ 26 क्वेश्चन, 2017 में यहाँ पर होगा 12 क्वेश्चन और 2018 में जो गिनती पहुँच के 30 क्वेश्चन तक पहुँच चुकी है। इसी तरह कंप्यूटर का आप देख लीजिए, यहाँ पे हो गया आपका 8 क्वेश्चंस, 2017 में 7 क्वेश्चंस और 2018 में यहाँ पर आ गया 8 क्वेश्चंस तक। इसी तरह 2016 में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे 9 और 11 आए थे 2017 में, और यहाँ पर 2018 में आए थे 3 क्वेश्चंस। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा एनालिसिस करके देख सकते हैं। ये एक्ट्स की यहाँ पर देखिए, 2016 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2017 में वही 3 क्वेश्चन आए थे, बट 2018 में ये हाई होके बिल्कुल 19 क्वेश्चन पे पहुंच गया था। बट इतनी नहीं संभावना है कि एक्ट में इतने आएंगे, इस बार ही आ गया, लेकिन मुश्किल है, इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में हमारे 2016 में आए थे 3 क्वेश्चंस, 2017 में आए थे 9 क्वेश्चंस और 2018 में आए थे 8 क्वेश्चंस। तो ये आप देख सकते हैं, इसी तरह आप पूरा डाटा देख सकते हैं यहाँ पे एनालिसिस करके। तो मैंने ये एनालिसिस करके आपको बता दिया है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से एरिया से कम आते हैं। इसी एनालिसिस पे मैं आपको आगे की स्ट्रेटेजी बताऊंगी। अगर हम पेपर समझ लेते हैं कि पेपर में आयोग क्या पूछना चाहता है हम लोगों से, और सिर्फ हम उतना ही पढ़ते हैं, तो एक्स्ट्रा पढ़ने से बच जाएंगे। इसीलिए ये एनालिसिस किया गया है। तो इसी बेस पे, इसी एनालिसिस के बेस पे मैं आपको पूरा डाटा समझाऊंगी। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि सब्जेक्ट्स का जो डिवीज़न किया है ये मैंने 11 पार्ट्स में किया है। हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, साइंस आती है, ज्योग्राफी, जो पर्यावरण का ये जो एरिया है वो मैंने ज्योग्राफी के अंदर ही कवर किया है। मध्य प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो स्टेट है एमपी, तो एमपी के क्वेश्चन ज़रूर वो लोग लेते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर आता है, एक्ट्स आते हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन काफ़ी हद तक आते हैं जो कि करंट से ही रिलेटेड होते हैं। मिसलेनियस में आता है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, ऊंचा क्या है, पहला क्या है, इस टाइप के मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं। या फिर जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मिसलेनियस में सारा कुछ मिला जुला यहाँ पर होता है। अब मैंने इस पार्ट्स को भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो मेरी इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, ध्यान देते रहिए, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, मैं ये सब एनालिसिस क्यों कर रही हूँ, मैं क्या समझाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा ही डिस्कशन इसमें करूँगी, क्योंकि आगे जो एनालिसिस है वो बहुत लेंथी है। डे वाइज मैंने हर एक चीज़ कैलकुलेट की है कि आप कितने दिन में क्या पढ़िए, कितने दिन क्या पढ़िए, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 से 9 घंटे की पढ़ाई में एक दिन की आप ये क्रैक कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, जब एग्ज़ाम आएगा उसके 15 दिन पहले आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा कंटिन्यू होना पड़ेगा, आपको 12 से 13 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। अगर
आप एक ही बुक को 5 बार रिवाइज करें 5 बुक पढ़ने के अलावा, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है आपके लिए। तो वो स्ट्रेटजी मैं पूरी बताऊँगी कि एक एक दिन आप कैसे अपना यूटिलाइज करें, इन 90 डेज को कैसे डिवाइड करें। तो आज 7 तारीख है, आज से अगर 7 तारीख अप्रैल में एग्ज़ाम होता है 7 तारीख को, तो पूरे 90 डेज हमारे पास हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए 2-3 दिन छोड़ दिया है, तो वो पूरी स्ट्रेटजी मैं लाऊंगी। और जो सेकंड वीडियो है इसी की, जिसमें मैंने पूरी प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी बताई है, वो आज शाम तक नहीं कल सुबह तक तो ज़रूर ही आप तक पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दूसरी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी लाई हूँ, आपको ये स्ट्रेटजी जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं, और मेरे चैनल पर प्लीज़ एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।